मंगलमय मंगलकरण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करी मंगल करी हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। कॉम्पिटिशंस गिव अस ऑल an opportunity to lead, to rise. Pratisparda, pratiyogitae, hod, barabari, tulna, ye sab hamare jeevan mein kuntha paida karne ke liye nahi hai. Kuntha samajh mein aata hai? These are not to shrink. एग्जाम्पल इसी प्रिमाइसिस में उदाहरण की बात चल रही है, मान के चलिए उदाहरण इस प्रिमाइसिस में मैं हूँ बड़ा वक्ता और मुझसे कोई ज्ञानी वक्ता आ जाए यहाँ पर, इसे कहेंगे नाउ द थिंग्स विल गो अ बिट कॉम्पिटिटिव। अभी समझ में आता है? और क्षण भर के लिए यदि मुझे ये लगे अरे ये कहाँ से आ गए, मुझे कौन पूछेगा, तो मैं लौकिक प्रयोजन का धारी हूँ। और टोडरमल जी ने पहले अधिकार में लिखा है, पहला अध्याय तो सबने पढ़ा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, जो जैनी होता है उसके लौकिक प्रयोजन नहीं हुआ करता। हमसे कोई बड़ा छड़ा यदि विद्वान आ जाए तो हमको आनंद ये करना चाहिए, चलो इनके बहाने आज पहली बार हमें कुछ कमियां भूले समझ में आई, कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। अभी आज तक सीखने का अवसर नहीं मिलते थे, समझ में आता है? आ जाए ऊंट, पहाड़ के नीचे आने के बाद पहली बार ऊंट को पता चला कि मेरे से भी माइटियर कोई वस्तु है, तो उसको लेकर उसको कुंठित होने की आवश्यकता नहीं है। विकास के सभी आयाम उसके लिए तभी खुले हो सकते हैं जब प्रतिस्पर्धात्मक उसका जीवन हो सकता है। मेरे साथ चलते चलो, आप विषय से जुड़ जाएंगे। कहने की आवश्यकता नहीं है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पांचवा अधिकार हमने प्रारंभ किया है। कंपेरेटिव एनालिसिस में जब भी होड़ होती है विकास के अवसर बरकरार रहते हैं। इमेजिन करिए आज यदि ऑपोजिशन पार्टी विरोधी दल होता है, यदि वह नहीं होता तो क्या हालत होती आज गवर्नमेंट की? हमको लगता है यार ये तो टांग खींचने में लगे हैं, ऐसा नहीं होता है। और फूक फूक कर कदम रखने के अकल हरेक पक्ष को विरोधी दल ही देता है, क्योंकि वे जानते हैं थोड़ा कदम गलत हुआ तो ये बैठे ही है सब। सिंहासन के चार पैर है लेकिन उसको खींचने के लिए 40 जन बैठे हैं, अब ये हाल मुझे खाली कर देंगे। तो लूक बिफोर यू लीप 25 दफे बार बार उसका विचार मंथन होता रहता है। विरोधी होने के कारण हमारे जीवन में विकास के सभी आयाम खुले रहते हैं, ये आपको समझना चाहिए। इसलिए नीति एक प्रसिद्ध है जो थोड़े दिन पहले कही थी, निंदक नियरे राखिए अंगन कुटी छपाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे स्वभाव। कबीर की होगी तुलसी की होगी, अपने को क्या फर्क पड़ता है? क्या ठीक है,
वैद्य हो अथवा हकीम हो, इससे हमें क्या? तशखीश अच्छी होनी चाहिए। तुलसी हो अथवा बोलिए कबीर, अरे शांत रहो, तुलसी हो अथवा नीम हो, हम तो स्वास्थ्य से मतलब रखते हैं। आप पकड़ रहे बात को? मैं तो बीच में एक डाल दिया, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। तुलसीदास कहो कबीर कहो, हम तो अपना काम निकालते हैं। मैं कहाँ तक खड़ा था? मैं कुछ कह रहा था, निंदक नियरे राखी। हमारे पुराण में भी एक जगह लिखा है, अहो खलस्य मोहोपयोगा स्नेहम द्रोहायत परिशीलनेन, आदि एक छंद है। क्या क्या कहा? लेटर रिपीट, शानदार है, अच्छा है। अहो खलस्य मोहोपयोगा, खल का बड़ा उपयोग होता है। स्नेहम द्रोहायत परिशीलनेन, गजब गजब का छंद है। आपकी छटपटाट चालू होगी इसके बाद, ये कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, हमको दिखे, देखना है मूल में। मैं कह नहीं सकूंगा, लेकिन है किसी पुराण में आपने, खल का बड़ा उपयोग है कहते हैं। क्या उपयोग है इस खल का? इस खली का, इस ऑयल केक का बड़ा उपयोग है, कहने को इसमें कुछ भी स्निग्धता नहीं रहती। ऑयल केक नाम का ऑयल केक है, इट्स वर्ल्ड ऑफ ऑयल। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? ऑयल केक समझ में आता ना, ऑयल केक। खली खली समझ में आती है, खली। आपकी हालत तो दोनों तरफ से ऐसी ही है। अरे यार, तुम तो खली नहीं समझते। चुनी, हाँ खली चुनी, जो फोडर, फोडर भी वैसा ही है आप लोगों को क्या? जो कैटल फीड होता है, कैटल फीड होता है, समझ में आता है, जो खाने को दिया जाता है गाय भैंसों को, तो घास के साथ साथ, घास के साथ साथ उसको कभी कभी खली भी दी जाती है, कभी मूंगफली की, कभी सरसों की, जानते हैं आप लोग? वेरी गुड। नाउ ये है क्या खली एक्चुअली? बस इनफ। खली ये है क्या खली एक्चुअली? खली वो चीज़ है जिसमें से, जैसे मूंगफली डाल दी मशीन में, मेरा समय जाता ही ये सब समझाने में, आपको तुरंत पकड़ना चाहिए ये सब बातें। तेल एक तरफ और खली एक तरफ होता है, फिर बड़े बड़े लोग तेल को ले जाते हैं, छोटे छोटे लोग खली को ले जाते हैं, खाने के लिए नहीं, खिलाने के लिए, पशुओं को खिलाने के लिए ले जाते हैं। कवि यह कहता है यह खल है जो टोटली यूजलेस माना जाता है, सेंसलेस माना जाता है, स्नेहम द्रोहायत, जो स्नेहता से बिल्कुल भी वर्जित है, रहित है। लेकिन यह खल स्नेह से रहित होने पर भी बड़ा उपयोगी है, क्योंकि उसका सेवन करने पर, इस खल का सेवन करने पर, जो स्नेह से रहित है उसका सेवन करने पर दूध बाल्टियां भर भर के दूध निकलता है, और फिर, और इसी दूध के मक्खन माध्यम से मक्खन और घी और फिर स्निग्धता। उसी प्रकार दूसरा अर्थ, यह खल बड़े उपयोगी है। खल मतलब यहां पर विलेन, खलनायक कहते ना, दुर्जन। यह खल बड़े उपयोगी है, इसमें स्नेहता नहीं रहती है, स्नेह नहीं रहता, लगाव राग नहीं रहता है, लेकिन बस उनका एप्लीकेशन, बीइंग विद देम टीचेस अस लॉट मेनी थिंग्स विच बुक्स कांट टीच यू। समझ में आता है? दुर्जन के साथ बिताया गया थोड़ा समय आपको विश्व भर में कैसी कैसी दुर्जनता हो सकते हैं, कैसी विचित्रता है, ये आपको अकल समझ में आती है। इसलिए ये भी कहा जाता है, कोई मुंबई में यदि एक हद साल रहे तो फिर ही कैन लिव एनीवेयर इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि थोड़ा धक्का लगा तो समझ लेना चाहिए आपको पिक पॉकेट का पाला पड़ गया है।
अब घर पर जाकर पता चलेगा है जेब तो चली गई हमारी पता ही नहीं चलेगा। मुंबई में ऐसे कहते हैं, आम जनों का काम ही नहीं है। और जो एक साल रह सका उसको फिर विश्व में कहीं भी रह सकते, उसको कोई ट्रबल नहीं आएगा, उसको कोई चूना नहीं लगा सकता। कहने का तात्पर्य मेरा इतना है, जितनी दुकानें हैं वो सब अच्छी है, समझ में आ रहा है। आज फॉर एग्जांपल, आज पहले सबसे पहला अपना कहना चाहिए गुरुकुल कौन सा था अपने मिशन में, मान के चलो एक टोडरमल स्मारक ट्रस्ट था, फिर बांसवाड़ा स्टेप्ड, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, आई एम वेरी सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, देन कोटा स्टेप्ड केम इन टू, बराबर ना। अब ये कहते हैं सब ये तो ये कंपटीशन कर रहे, नहीं, कंपटीशन होने से लाभ होता है, विद्वानों को भी अवसर होता है अपने हथियार तराशने का। नहीं तुम आम छोड़ा बाजार सकड़ा, मैं ही मैं हूँ। आज अपने सामने कोई ख्याल में आया तो होश संभाली, हमको भी अभी पढ़ना पड़ेगा, पहले जैसी बात नहीं रही। अब वे भी खड़े हो गए हैं, अभी हमको वैसी वाह वाह कोई करने वाला नहीं है, समझ रहे। जैसे कोई सोनागिर है, द्रोणगिरी है, खनियादाना है, मंगलायतन है, अपने अभी इंदौर खुल रहा है, ये सब कंपटीशन से क्या होता है कि दे आर स्पॉन्सरिंग, वाई कांट वी, वाई ऐसे इतना पढ़ाते हैं, वाई कांट वी, दे कैन अफोर्ड, वाई कांट वी, कंपटीशन, समझ में आया। इसलिए मैंने कहा तो कॉम्पिटिशंस गिव अस ऑल एन अपॉर्चुनिटी टू राइज टू गो हायर। मुझे क्या कहना है, मुझे थोड़ा सा बात को कहने दो आगे। बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर, और इन सब दुकानों के होने के कारण ये सब गुमराह हो जाते। गुमराह की बात नहीं है, तुम्हारी परीक्षण बुद्धि शार्प हो जाती है। और जो तुम एक ही लाला की दुकान पकड़े बैठे थे, क्या कहा, एक ही लाला की दुकान पकड़े बैठे थे, रोज सुबह जाओ पैसा दो और माल लेके आओ, और आज दो दो दुकान आ गई, तुमको लग रहा है ये तो आई हैव गॉट जम्बल्ड, मैं इसके पास जाऊँ कि उसके पास जाऊँ, दिस इज नॉट द क्वेश्चन टू बी जम्बल्ड। आज तुम्हारे पास एक ऑप्शन आ गया, अच्छा तुम दे रहे, बोल तू कितने में देगा। अब समझ रहे मेरी बात को, जितनी दुकानें जितनी वैरायटी उतना अपनी परीक्षण बुद्धि अपनी शार्प होती है। और अकेले में मोनोपोली होकर गुमराह होने का, कोई दूसरा मोनोपोली आ जाए तो सामने वाले आश्रित है, वे गुमराह होने के उनके बराबर अवसर बने रहते हैं। फॉलो कर रहे आप लोग, मैंने थोड़े टाइम पहले कोट किया था आपको भक्तमर स्तोत्र का एक छंद, अब मैं प्रकरण में जुड़ने वाला हूँ, जिसमें वो मानतुंगाचार्य ये कहते हैं, हे भगवान ये बहुत अच्छा हो गया, मैं अगल बगल पहले बहुत सारी दुकानें टटोल कर आ गए हो आपके पास, और बदौलत इसकी आज मैं इसका प्रहरी बना हूँ, अड़िग प्रहरी, समझ में आया। अब मुझे कोई दुनिया की ताकत यहाँ से न्यायात प्रविचलंती, क्या है वो, और कैसी भी विपदा मुझे न्याय मार्ग से अभी नहीं डिगा सकती, भगवान आपके पथ से अभी तो मैं नहीं हट सकता, क्योंकि मैंने दुनिया देख ली है। तो दुनिया का देखना कार्यकारी है, सभी दुकानों को टटोलना बोलिए कार्यकारी है, कार्यकारी है। विविध मत समीक्षा टाइटल है, क्या टाइटल है, इसमें कई सारी दुकानों का परिचय किया जाएगा। हमारे अड़ोसी पड़ोसी जैसा एक जैन दर्शन है, वैसे एक बौद्ध दर्शन है, एक चार्वाक दर्शन है, सांख्य दर्शन है, वेदांत है, आदि आदि योग दर्शन है, मीमांसक है, ऐसे अनेक अनेक जन ने अपनी अपनी दुकानें लगाई है, तो हमारे सामने एक ऑप्शन का एक अवसर खड़ा होता है। और फिर इसीलिए जहाँ पर हम पैदा हुए हैं वही अच्छा कहने की रीति खत्म होकर, जो अच्छा सो मेरा, यह हमारी थिंकिंग बलवती होने लगती है। फ्री, एक ग्लोबलाइजेशन का मार्केट है आज, क्या कहा,
मैं ज़्यादा अपडेट नहीं हूँ, आप लोग तो सब जानते होंगे, अब खूब डिबेट्स होती होगी, आप खूब पढ़ते होंगे ऐसी सब बातें। आज ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड है, फ्री मार्केट है, आज यहाँ का माल वहाँ, वहाँ का माल यहाँ, कस्टमर के लिए फ्री चॉइस है ये। और उसके कारण पहले जो निर्मा वाला ही काम करता था, अभी ऐसा नहीं चलेगा, आज हजारों जनों से टक्कर देना पड़ेगा। निर्मा तो कहाँ रह गई अभी तुम्हारी, निर्मा समझ में आ रहा है निर्मा क्या है? अभी नाम ही बस है, वो देखने में तो सब मिलती ही नहीं हो, बात तो यही तो है हकीकत। वर्णी जी, कई सारी जनों की घटनाएं अभी बताने का बहुत औचित नहीं है, क्योंकि मुझे भी बहुत जनों के नाम याद नहीं है। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी का नाम मुझे ख्याल में है, और दो तीन वर्णी जी ही हुए हैं, मुझे अभी इस समय में उनका नाम स्मरण में नहीं है। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी थे, तो वे एक जैन मंदिर के धर्मशाला के बिल्कुल सामने एक किराए के कमरे में वहाँ पर रहते थे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और ये सब एकदम मान के चलिए, कभी स्ट्रांगली एलर्जिक रहे हैं ये, तो इनकी ये पॉलिसी थी। कभी मैंने आपको ये बताया था विद्यानंदी के, आचार्य विद्यानंदी के बारे में बताया था, और तब ये जमाना था, तब ये बोला जाता था क्या? हाँ बोलो, सही बोल रहे कोई? मैं अभी वो वर्डिंग भूल रहा हूँ मूल में, उसमें यह था, हाथी के पैर के नीचे आकर कुछ ले जाना भले ही, लेकिन न गच्छे जैन मंदिरम ताड़े मानो हस्तिनो पी। हाथी के पैर के नीचे कुछ ले जाना, लेकिन जैन मंदिर में प्रवेश नहीं करना। और इतना एलर्जिक कभी रहा है ये एज, अभी उसका टाइम भी नहीं है कहने का, जब हिस्ट्री का अवसर आएगा तब उसकी भी विचार की जाएगी। तो जब मैंने आपको कहा भी था, शायद पहले अधिकार में मैंने उदाहरण दिया था, मुझे लग रहा है कि शायद कि मैंने ये कहा था, जैसे गली से कोई गुजर रहा है और पीछे चिंगाड़ता हुआ हाथी आ रहा है ना, आपको कहीं अवसर ही नहीं पीछे घूमने का, दूर दूर तक, और इतना तेज रफ्तार है उसकी, अब कितनी भी जोर से दौड़ेगे वो तो कुछ लेगा। और आपको खुला खुला जगह दिखी, जहाँ पर आपको लगा यहाँ से एक मिनट में सटक सकते, सेकंड भर में, और हाथी तो यहाँ आ नहीं सकता, बचने का अवसर है। बट समहाउ यू ट्राइड टू पीप इनसाइड एंड यू सॉ कि वो एक जैन मंदिर है, तो कहते नहीं नहीं यहाँ पर नहीं जाना, मारे जाना भले। ऐसा एक सब जगह फैलाया गया बहुत टाइम तक। मैं तो ये कहता हूँ, इससे तो लोहा माना जाना चाहिए जैन शासन का। एनीवे मुझे अभी ये कहना है कि विद्यानंदी आचार्य, मैंने कहा था आपको शायद ये कभी नहीं कहा, भूल रहे क्या? क्योंकि मुझे रिपीटेशन नहीं करना है, मेरे पास और मैटर है, मैं नया मैटर दे सकता हूँ आपको। एनीवे अभी आपको याद नहीं है बहुत, विद्यानंदी जी ऐसे आचार्य हुए हैं जो वैदिक परंपरा के जबरदस्त प्रचारक रहे हैं और विरोधी कट्टर के जैनी के, तो उनकी ही थिंकिंग थी, उनके द्वारा ये प्रचारित किया गया था, मर जाना जैन मंदिर में नहीं जाना। और वे भी जब भी प्रसंग पड़ता था निकलने का, वे कान बंद करके निकलते थे, और एक दिन की बात है सहस्ता में पत्थर से टकराए, गिर गए, उंगलियां छूट गई, और मंदिर से थोड़ी सी ध्वनि उनके कान पर आज पहली दफे पड़ी। यह आज पहला अवसर था उनके अंदर के भी पर्दे हटने का, मिथ्यात्व का। और उन्होंने तब सुना था यत्र तत्र क्या अन्यथानुपपन्नत्वम यत्र तत्र त्रयेण किम नान्यथा अनुपन्नत्वम यत्र तत्र त्रयेण किम अन्यथानुपपन्नत्वम यत्र किम तत्र पंच भी, ऐसा ऐसे दो छंद सिंपल। अभी तो कोई बात भी नहीं है, परीक्षामुख सूत्र की टीकाओं में इसका सब जिक्र है। उन्होंने कहा क्या बोल रही है, थोड़ा मैं इसकी बात कर सकूँगा आपको 15-20-25 दिन के बाद, कहीं प्रकरण आएगा थोड़ा अनुमान का। ये क्या बोल रहे हैं, अनुमान के लिए 5 अंगों की आवश्यकता नहीं है, परीक्षा के लिए केवल
हेतु और साध्य इतने मात्र से ही काम हो सकता है, ऐसे कैसे बोल रही है? तो क्यूरियस होकर जैन मंदिर में जाने से स्वयं को नहीं रोक पाए और ठीक ऐसा ही हुआ था, बोलिए, ठीक ऐसा ही हुआ था। आज से लगभग 2575 साल पहले, राइट, 2545 हो गए हैं निर्वाण होकर, और 30 साल में पीछे चल रहा हूं। आप समझ रहे हैं बात को, क्या बात कर रहे हैं? 6 द्रव्य 7 तत्व, तो ये क्या बात करते हो? कहा है, कौन कहता है? चलो उनके सामने ले चलो, देखते क्या होता है। और देखते रह गए, और विद्यानंद जी के पास भी ऐसी बात हुई। विद्यानंद जी अंदर प्रवेश किया और उन्होंने विद्वान का प्रवचन चल रहा था, और प्रवचन में वो बोल रहे थे, उन्होंने पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय दीज वर्ड्स? उनको समाधान नहीं बना उसका। अधिकांश विद्वानों की तो आज भी यह हालत है, नमोकार मंत्र बोलते हैं, अर्थ ही नहीं समझते हैं, तो कह रहे नहीं, अर्थ नहीं बता पाते, तुम पढ़ाने बैठे यहाँ पर और उसी दिन रात में उनको स्वप्न आया कहते हैं, और नेक्स्ट डे पार्श्वनाथ भगवान की फण पर उनको वो सब उस सूत्र के अर्थ वगैरह सब लिखे मिले, एंड फिर उन्होंने जैन दीक्षा ली, और फिर जैन दीक्षा होकर वे यहाँ के मुनि हुए, और फिर श्लोकवार्तिक आप्त परीक्षा अष्ट सहस्त्री जैसी एकदम मजबूत रचनाएं इनके कंट्रीब्यूशन में आ जाती है। और वैभव विलास को बढ़ाने वाली, जैन शासन के वैभव को बढ़ाने के लिए इनका साहित्य बेजोड़ माना गया है आज। एनीवे, मुझे तो इतना ही कहना है, वर्णी जी ने सबसे पहली बार ये सुना कि क्या कह रही है, रावण राक्षस वंश का था, राक्षस नहीं था, हनुमान सर्वांग सुंदर, सुग्रीव सर्वांग सुंदर, हनुमान तो कामदेव था, वानर वंश था, वानर थोड़ी था, ये राक्षस नहीं थे, वानर नहीं थे, तो उनको थोड़ी थोड़ी बात जमने लग गई। नहीं तो आज भी यही मान्यता थी कि राम ने किसी बंदरों का सहारा लेकर उन्होंने लंका जीती, और वे बंदर थे नहीं, वानर थे नहीं, वानर वंश, तो उनको बात जमी गणेश प्रसाद जी वर्णी और को, तो प्रथमानुयोग को देखकर वे रीझ गए। मैं ये कह रहा हूं, यह अवसर उनको किसने दिया, बोलिए, कंपटीशन आपकी भाषा में, बराबरी सामने कोई हो, इसलिए एक अवसर मिलता है, और जो उसको रोकने का प्रयास करता है, ही इज डाउटफुल अबाउट हिमसेल्फ, नहीं समझे? कोई ग्राहक हमारी दुकान से जाने लग गया, अब एंटरटेन कौन करता है उसको, ओ साहब, ओ साहब, ए साहब 2 रुपए कम दो, ए साहब 5 रुपए कम दो, इधर ही और चीटर, एक पहले तुमने ज्यादा बोल दिए थे पैसे, या तो मतलब तुम ठग हो, तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तुम्हारे माल पर, यदि तुम कॉन्फिडेंट होते तुम एक फिक्स रेट बोलते, सब हम देख कर आते हैं, वो वहां दुकान है, ए बच्चे जाओ उनको छोड़ के उस दुकान में जाओ, हमारा आदमी छोड़ के आएगा, हमारा नौकर भेज रहे और वहां मिलेगा तो हमारे नौकर को भी, ये लो पैसे तुम भी लेके आना उनसे, जाओ जाओ। अब समझ रहे मेरी बात को, क्या जाएगा वो? ये सब कहना चाहिए, खुला प्लेटफॉर्म रहता है, और इसीलिए अभी विदेशों में तो खूब ट्रेंड है इसका, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता इसमें, एक ही वेदी पर श्वेतंबर की भी प्रतिमा और दिगंबर की भी प्रतिमा रहती है। अब जानते हैं इस बात को, जानते हैं कोई? क्योंकि उनका उनकी तकलीफ ये है, तकलीफ कहो जो भी कुछ कहो, जो भी समाज है वो जैन समाज है उनकी, श्वेतंबर दिगंबरों का ऐसा अंदरूनी भेद होने पर भी इतने कुछ पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए तो सब बोलो ये सब बसा होना, समझ में आता है क्या कहा?
सभी साधु एक सरीके और सभी अरहंत एक सरीके, सभी सिद्ध एक सरीके, क्या कपड़े वाले क्या बिना कपड़े वाले। तो जितने भी श्वेतंबर के आते हैं दिगंबर को भी ढोक देते हैं, जितने दिगंबर के आते हैं श्वेतंबर को भी ढोक देते हैं, और सभी भगवान सभी अपने ही है सब। अब पकड़ रहे? तो बीच में बहुत इस बात को लेकर बवाल भी मचा, मुझे तो कुछ कमेंट ही नहीं करना है, मुझे तो इतना ही कहना है अब एक वेदी की थोड़ी देर के लिए ड्रॉप कर दो मामला। एक ही मंदिर में दो वेदी, विदेश में लगभग ऐसे ही मंदिर है सब, लगभग ऐसे ही मंदिर है, एक वेदी दिगंबर की एक वेदी श्वेतंबर की, बराबर ऐसे वेदियां रहती है वहां पर और मंदिर एक रहता है, और उनका बस चले तो एक ही वेदी पर दोनों भी विराजमान करते, दिगंबर एंड श्वेतंबर। वे कहते झगड़ा हमको मत सिखाओ, लेकिन और बहुत जनों ने विरोध करके उसको कहा नहीं दिगंबर के वहां श्वेतंबर नहीं होना चाहिए, अथवा श्वेतंबर की कोई बात यहां पर नहीं बोलना चाहिए। तो मेरा ये थिंकिंग है श्वेतंबर की बात क्यों नहीं बोलना, क्यों नहीं समझना, बल्कि उनके सामने कंपेरेटिव एनालिसिस होने दो, दोनों आमने सामने आने पर लेट हिम डिसाइड नाउ, और उसका मन बोलेगा और अब वो अंदर से रियलाइज करेगा कि ये शांत छवि वाली मुद्रा ये है जिनको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। तो आने दो ना, तो अपन क्यों डरना। श्वेतंबर विद्वान के बीच में हमको भी बोलने का प्रसंग है, बौद्धों के विद्वान के साथ हमको भी कुछ बोलना है, भला हमको क्यों डर हो उस बात का। तो किसी को कोई ये भी बोले कि साहब 9 घंटे हमारे प्रवचन होंगे श्वेतंबर वालों के, 1 घंटे हम तुमको भी दे देंगे, तो कोई बात नहीं, 1 घंटा मिला है तो हम उसमें भी अवसर देख सकते हैं। आप पकड़ रहे मेरी बात को, कहने का तात्पर्य इतना भर है, हम इस बहाने बहुत सारे धर्म धर्मांतरों के दर्शन दर्शनांतरों का अध्ययन करेंगे आश्रय एज यूजल अध्ययन करेंगे सब दुकानों का, और इन सब का फल क्या होगा, जितना अधिक ज्ञान होगा, जितना ज्ञान निर्मल होगा उतना श्रद्धा भी पुष्ट होता है। आप पकड़ रहे, अधिक जानकारी से सामान्य से विशेष बलवान। तो बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजे गहिए, और के माँ बाप देखने पर हमारे माँ बाप की महिमा आ जाती है। और मैंने कभी आपको शायद कहा होगा मेरा इंस्पिरेशन सोर्स, मैंने कभी बोला होगा आपको, एक नॉन जैन आदमी कस्टमर के रूप में शॉप में आए थे, मैंने कहा था आपको नॉन जैन आदमी कस्टमर के रूप में शॉप में आए, और उन्होंने कहा मैं नाम पढ़ के आया हूँ ये मान करके जैन का शॉप होगा, एंड आई बिलीव स्ट्रांगली कि जैन्स नेवर चीट, रिलायबल होते हैं, इसलिए मैं कहीं नहीं जाकर यही आया। और खड़े रहते रहते उन्होंने इतना ही कहा, कुंदकुंद आचार्य का समग्र समयसार मैंने पढ़ा है, वो हिंदू है वैसे आदमी, और उसने परिचय यह दिया था, याद आ रहा है मैंने क्या कहा था, परिचय यह दिया था इस देह को स्वयंसो कहते हैं, माथा चक्राने लग गया था। एक जैनेतर जब हमको जैनी की महत्ता कहता है तो हमको भी कहीं ना कहीं लगता है कुछ तो है, कुछ तो है। तो अभी हम सब जगह देखेंगे, अन्य मत अन्य दर्शनों की पूरी मीमांसा की जाएगी। यहाँ पर अच्छा लगेगा, यहाँ पर पंडित जी साहब ये कहते हैं कि देखिए, चलिए एक बार मंगलाचरण करे फिर मैं बात करता हूँ जो कुछ। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव, ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शन। बहुविधि मिथ्या गहन करी, थोड़ा वर्ड्स की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गहन करी एक वर्ड का प्रयोग किया है, दैट्स इट। क्या शब्द का प्रयोग किया आज, गहन करी। व्हाट इज गहन करी, नॉट ग्रहण, गहन, गहन अंधकार, घोर, एक एडजेक्टिव जुड़ गया। दिस इज नॉट सामान्य मिथ्यात्व, गहन गहनता है ये अंधकार की, डेंसर डेंसर,
And what qualities has had has made this thing denser? उसकी बात चलेगी. बहुविधि मिथ्या गहन करी. मिथ्या को गहन किसने किया, डेंसर गाढ़ा किसने किया? ग्रहित मिथ्या तो टर्म अभी आएगा. एक अग्रहित मिथ्यात्व, जो तो मिथ्या तो है ही, सो फार अनादिकाल से चलता रहा, और उसको पुष्ट किया और गाढ़ा कर दिया, वो गहन करी. और बहुविधि अनेक अनेक प्रकार से, इसलिए तो टॉपिक है विविध मत. बहुविधि की तरफ से मलिन भयो निज भाव, ताको हो तो अभाव है, सहज रूप दर्शाओ. अभी यहां पर ध्यान दीजिएगा सब. मुझे 3-4 पैराग्राफ्स तो कंप्लीट करने ही है आज. मैं जो कुछ कहूंगा थोड़ा शांति से सुन लेना, समझ लेना. देखिए, जितने पाने के अवसर है, जितने अवसर पाने के होते हैं, बात को कोई पूरी करेगा, उतने अवसर खोने के होते हैं. और जितनी मात्रा में पाओगे उतनी मात्रा में खोओगे. गेटिंग लॉटरी, वैसे तो जुआ माना गया है. इफ यू गेट यू विल गेट 1 crore, एंड इफ यू डोंट गेट यू विल लूज 100 rupees. दुकान में जाओगे तो 100 rupees दोगे तो तुम्हें कुछ 100 rupees का माल आएगा. 100 का नहीं आएगा तो 99, 98, 90 का आएगा. कुछ ना कुछ तो आएगा ना. जहां खोने के अवसर होते हैं, जहां पाने के अवसर होते हैं, वहां खोने के भी बराबर अवसर होते हैं. एक सेकंड पार्ट, जहां पाने के अवसर होते हैं वहां खोने के भी बराबर अवसर होते हैं. जो प्राप्ति और उपलब्धि के अवसर होते हैं उसमें पतन की भी बराबर अवसर हुआ करते हैं. समझ रहे कुछ मेरी बात को? नहीं समझ रहे? सट्टा, अगेन सट्टा की ही बात करूंगा मैं. ये अगम सम्मत है, ये मैं कहने के लिए बैठा ही नहीं हूं. मुझे तो उदाहरण देना है. आपने देखा होगा रातों रात शेयर मार्केट पर सब एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जाते हैं और रातों रात करोड़ों में मिट जाते हैं. देखा है आप लोगों ने? ये किसका धंधा कहते हैं उसको, वायदा, वायदा के धंधा. आप नहीं सुना आपने, आप लोगों ने ऐसा? वो कुछ करते हैं कंप्यूटर पर, इंटरनेट से ही चलता है बिजनेस. कुछ माल वाल कुछ नहीं खरीदते हैं, बस उसको बुक करते हैं और फिर तेजी मंदी देखकर उसको बेचते हैं, करते भी है. और कितने जन डूब जाते हैं, रातों रात लाखों रुपए कमा लेते हैं. अभी माल परचेस किया मतलब केवल पेपर पर, और रातों रात खत्म भी हो जाते हैं. तो कहने का तात्पर्य, गोताखोर है. जहां पाने का अवसर है कुछ, व्हाट डू यू कॉल फॉर दैट, माइंस में कौन जाता है, माइनर, माइनर कहते क्या उसको? अच्छा, तो जो माइनर होता है वो कितना अंदर जाता है, कितना अंदर जाता है लगभग? कुछ आइडिया है आपको कितना? सैकड़ों फीट तो जाने में तो कोई आपत्ति नहीं दिख रही मुझे. कुछ कैसे कैसे कंडीशंस होती होगी वहां पर. ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो कुछ अचीव करना है तो खोने की भी तैयारी, रिस्क तो कितनी है. फिर से गोताखोर लौट आएगा कि नहीं, यही पता ही नहीं होता है. इतनी मछलियाँ भी कैसे कैसे बचेगा, क्या क्या उसका कोई बात है? कितनी बड़ी मछली, क्या क्या जहाज को पलटा सकते हो, तो क्या कौन सा कीड़ा है ये? अगेन टोडरमल जी कहते हैं, अनादिकाल से भ्रांति करता हुआ ये जीव, अग्रहित मिथ्यात्व को प्राप्त करता हुआ जीव, तत्व संबंधी भूल करता हुआ ये जीव, आपा पर में यथार्थता नहीं मानता हुआ ये जीव, सुख दुख के स्वरूप में यथार्थ न मानता हुआ जीव, कहीं एक अच्छे स्पॉट पर आकर पहुंचा. बहुत ही सुंदर स्पॉट था वो. उसको कहते हैं एक अच्छा पड़ाव, उसको कहते हैं मानव पर्याय. लेकिन इस मानव पर्याय में क्या अच्छा क्या है इसमें, क्योंकि इसमें श्रद्धा और ज्ञान की अधिकाई होती है.
इसमें थिंकिंग पावर विशेष होती है। तो पहली बार यहां आया तो दिस वॉज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी वेर इन वो स्वयं को परख लेता कि हम कहां रीते हैं, कहां भूल कर रहे हैं, और पॉजिटिव ट्रैक में चल सकता था। बट अकल की ज्यादा पने के कारण कभी कभी उसका प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं होता तो और ज्यादा पतन होता है, और ऐसे में उसका सुलझना, पहले तो सुलझना दुर्लभ था और अब उसका सुलझना अति दुर्लभ हो जाता है। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? मानव पर्याय में सुलझने के अवसर थे लेकिन नहीं सुलझा तो मामला और बिगड़ जाता है फिर तो यहां, क्योंकि मानव पर्याय में आकर ही नए दंद फंद चालू करता है। इसलिए मैंने कहा था पति पत्नी मम्मी पापा ये रिलेशंस कहां होते हैं? देवगति में है? नहीं। नरक में है? नहीं। अच्छा तिरेंच में है? नहीं। ये भैया रक्षाबंधन को मुझे जाना है, ये भाई दूज को जाना है, फिर मुझे एनिवर्सरी भी मनाना है, ये सब लफड़े नहीं है वहां पर, कोई मतलब नहीं किसी को किसी से। तो यहां पर आकर विशेष अति दुर्लभ वर्ड को ध्यान रखना, विशेष ज्ञान श्रद्धा को पाकर यदि सजग नहीं हुआ तो बचना और दुर्लभ होगा, अति दुर्लभ महाकठिन होगा। वैसे टोडरमल जी कठिन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मैं वर्डिंग पूरी इन्हीं की यूज कर रहा हूं। तो कहते हैं कि अच्छा अवसर को भी उसने गवा दिया और उसको जहाँ आबाद होना तो वहाँ और बर्बाद हो गया, फ्लॉप्स हो गया। दो पैराग्राफ्स देखिए। अब यह जीव पूर्वोक्त प्रकार से अनादि ही से मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र रूप परिणमित हो रहा है, उससे संसार में दुख सहता हुआ कदाचित मनुष्यादि पर्याय में विशेष श्रद्धा आदि करने की शक्ति पाता है। गेटिंग? वह यदि विशेष विशेष वर्ड हर जगह दिया जा रहा है, विशेष मिथ्या दर्शनादिक के कारणों से उन मिथ्या दर्शनादिक का पोषण करे, पोषण अगेन अंडरलाइन, समझ में आ रहा है? वो दौलत राम जी की लाइन बोलो, पोषे चिर दर्शन मोह एव, शबाश शबाश शबाश, पोषे चिर दर्शन मोह एव, चिर मतलब अनादिकाल से चलता आ रहा हुआ, और उसको पोषे पुष्ट करता है कुदेव कुगुरु, अब उसकी बात चलेगी, पोषण करे। सो यहाँ का शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने, पोषण, यही की वर्ड वोकैबुलरी है। उस जीव का दुख से मुक्त होना, बोलिए, अति अति शब्द डाल दे, दुर्लभ होता है। जैसे कोई पुरुष रोगी है वह कुछ सावधानी को पाकर कुपुत्ते सेवन करे तो उस रोगी का सुलझना कठिन ही होगा, उसी प्रकार यह जीव मिथ्यात्व आदि सहित है, वह कुछ ज्ञान आदि को पाकर विशेष विपरीत, विपरीत तो था ही, विशेष विपरीत श्रद्धा आदि के कारणों का सेवन करे तो इस जीव का मुक्त होना कठिन ही होगा। कठिन कहने की अपेक्षा मैंने क्या कहा? ज्यादा कठिन होगा, अधिक कठिन होगा, दुर्लभ तो ऊपर कहते ही आए हैं। लिसन लिसन नाउ, एक बहुत ही अच्छा बच्चा था, यहां पर वर्कर के रूप में था, और वैसे आप चलो अन्यथा तो आप लेने का वैसे सवाल नहीं होगा, आपको भी एक प्रॉपर मैसेज मुझे देना है। स्वीपर था, क्या कहा? स्वीपर था। एंड बाय प्रोफेशन कौन क्या करता है उससे किसी की अच्छाई तय नहीं होती। मुझे बहुत याद आता है हमारे जोसेफ सर हमेशा एक बात कहते थे, एक्ट दाय पार्ट वेल एंड देयर लाइज द ऑनर, क्या हमेशा कौन का वर्डिंग, उनके पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स लाइन्स एक कोट जैसे हमारे दिल में आज भी बराबर है और कभी नहीं निकल सकते। ये सब हमने 8th, 9th, 10th के दौरान ये सब पढ़ा उनसे। क्या कहते थे वो? बहुत सारी बातें कहते थे, एक बात हमेशा कहते थे, एक्ट दाय पार्ट वेल एंड देयर लाइज द ऑनर। इससे क्या फर्क पड़ता है कौन क्या करता है,
फर्क किससे पड़ता है? जो काम हमको दिया गया है, जहां पर मैं हूं, जिस लायक मैं काम कर रहा हूं, जो भी कुछ कर रहा हूं, जिस हालात में कर रहा हूं, वो मैं अच्छे से करूंगा। एक स्वीपर था यहां पर, बहुत ही अच्छा बच्चा था वो, बहुत ही रिस्पेक्ट, बहुत ही एटिकेट, ऐसा लगता था धर्म के प्रति बहुत आस्था इस बच्चे को। तो ठीक है, एक बार दो तीन दिन, तीन चार दिन बीत गए, वो काम को नहीं आया। फिर पांचवें दिन दिखा, मैंने कहा क्या बात है भैया, आप नहीं आए, कुछ बात? हाँ, बोले मेरे पिताजी को एडमिट किया गया था। मैंने कहा क्यों? सांप काटा उनको। मैंने कहा कैसे? कुतूहल ने, रात में काम कर रहे थे खेत में, तो 10-11 बजे सांप काटा भी खेत में, तो क्या बात है, तो जहर चढ़ गया, एडमिट किया। नाउ अभी ठीक है, ओके, घर पर आ गए हैं, अभी डिस्चार्ज हो गए, नाउ ही इज वेरी ओके। ओके, मैंने कहा बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। दो तीन दिन आया, फिर गायब। मुझे थोड़ी सी आकुलता बनी रही, ये नहीं आए, अभी अभी नहीं है वो यहाँ पर। तो ये तो भाग्य की बात है, कौन क्या काम करता है, कौन क्या काम करता है। आप समझ रहे हैं? हमारे हाथ में शास्त्र पकड़ा दिए, किसी के हाथ में बोलो कूड़े के डब्बे पकड़ा दिए, डस्टबिन पकड़ा दिए, ये तो सब भाग्य का फेर है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो दो तीन दिन फिर गायब, फिर आ गए। वैसे बहुत प्रॉम्प्ट रहता, तो बहुत बहुत अच्छा था काम। तो फिर मैंने कहा कि क्यों भैया? नहीं, फिर जहर चढ़ गया था। व्हाट व्हाट? फिर से सांप काटा? नहीं नहीं नहीं, जहर फिर से चढ़ गया। जहर फिर से चढ़ गया? बोले पिताजी ने तीखा खा लिया ना बहुत। ओ अर्जो, क्या किया? हाँ, पिताजी ने तीखा खा लिया, और डॉक्टर ने साफ साफ कहा था अभी तीखा नहीं खाना, महीना भर, 8 दिन तुम बिल्कुल ही नहीं खाना। तुमने तीखा खाया, जहर फिर चढ़ा। अब मैंने एक रूल बता दिया आपको, एनीवन कैन ट्राई दिस थिंग। और कितना ही अच्छा इलाज करने के बावजूद भी पथ्य का ध्यान नहीं रखा जाए, परहेज का ध्यान नहीं रखा जाए, लगभग हम दवा का तो आग्रह रखते हैं, परहेज को तो खूंटी पर टांग देते हैं, यदि पथ्य का ध्यान नहीं रखा जाए तो मामला बिगड़ता है। उदाहरण ये दिया जा रहा है, रोगी को जिस प्रकार पथ्य का ज्ञान कराए तो विशेष लाभदायक होता है, ठीक उसी प्रकार इस मिथ्यात्व की जानकारी के साथ साथ जिससे मिथ्यात्व विशिष्ट पुष्ट होता है विशेष रूप से, ऐसे परहेज का, ऐसे कुपथ्य का ज्ञान कराया जाना निहायत जरूरी है। इसलिए कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का ज्ञान इसीलिए कराया, फिर से जहर चढ़ गया। कैसे? हमने कहा था ना, उनके साथ नहीं उठना बैठना, वहाँ पर ढोक नहीं देना, उनके बीच में नहीं जाना। नहीं सब, वे सब जा रहे थे तो मैं क्या करता? चढ़ गया ना, फिर से चढ़ गया ना। तो बिवेर, इनसे दूर रहना, इनसे दूर रहना, तब यह दवा काम करेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कुदेव कुगुरु कुशास्त्र इसमें जहर बढ़ाने का काम करते हैं, बूस्टिंग इफेक्ट करते, बूस्टिंग इफेक्ट, और मल्टीपल टाइम इसमें देखिए। इसीलिए जिस प्रकार वैद्य कुपथ्यों के विशेष बतलाकर उनके सेवन का निषेध करता है, उसी प्रकार यह विशेष मिथ्यादर श्रद्धान आदि के कारणों का विशेष बतलाकर उनका निषेध करते हैं। गेटिंग? यह आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। एक आसन करना है, क्या करना है? एक आसन करना। गर्मी का टाइम है, मई जून का टाइम है, अपने पीक पर है गर्मी, और उस एकासन में आपने क्या किया? एकासन में क्या किया? और ये अथवा ये विचार करिए, एकासन भी नहीं, मान के चलिए सप्तमी के शाम को आपने कुछ लिया और अष्टमी दोनों टाइम नहीं लेना था, आपने बहुत सारा शाम को बहुत तली चीज खाई, तली चीज खाई, नमकीन चीज खाई, पेट भर गया, आपको कुछ पता ही नहीं चला, और द नेक्स्ट डे अदरवाइज द सेम नाइट यू फाउंड डिफिकल्ट इवन टू सर्वाइव। हाउ डिड दिस थिंग हैपन? क्योंकि एक तो तुम्हें पानी पीना नहीं है, पानी पीना नहीं है तुमको अष्टमी के दिन, और पीना नहीं है तब तो बात निभ जाती, बट तुमने क्या किया? अपोजिंग फोर्स और डाल दिया उसमें। ये तेल, मैं थोड़ा सा नॉलेज ऐसे ही दे रहा हूँ, ये तेल पानी मांगता है, नमक इज हाइग्रोस्कोपिक बाय नेचर, हाइग्रोस्कोपिक एनहाइड्रस, व्हाट इज एनहाइड्रस, प्रॉपर वर्ड है, ठीक है, एनहाइड्रस। सॉल्ट इज एनहाइड्रस बाय नेचर, सॉल्ट को वैसे ही कहीं भी रख दो वो पानी तो वैसे ही सोखता है, दुनिया जानती है, और आज के टाइम में देख सकते हैं आप उसको, बरसात वगैरह में तो वैसे ही अपन लोग तो एंड टाइम पीसते हैं, खैर, लेकिन जो पीस कर रख लेते हैं 8 दिन का 10 दिन का, वो तो सब जानते हैं वो क्या होता है उसका, वो इतना एनहाइड्रस है, वो तो पानी मांगता है, सोखता है वो तो। तो आपने जितना पानी पिया था ये जानकर कल पानी नहीं पीना है, बात बिगड़ा दी तुमने नमक ज़्यादा लेकर। कुपथ्य का विशेष ध्यान रखना, नहीं तो जितना माल इनपुट हो रहा है, इनटेक हो रहा है, वो दूसरा ही कोई लेके जा रहा है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर आते हो और फिर कहते हो क्या फर्क पड़ता है, वहाँ पर बगल में थोड़े जाकर आएंगे, उससे यू आर लूजिंग लूजिंग एंड उससे ज़्यादा पतन होता है। देखिए यहाँ अनादि से जो मिथ्यात्व भाव पाए जाते हैं उन्हें तो अग्रहित मिथ्यात्व आदि जानना, क्योंकि वे नवीन ग्रहण नहीं किए हैं, राइट। मैंने आपको पहले भी कहा था, थोड़ा सा फिर से, आई वुड लाइक टू अट्रैक्ट योर अटेंशन, अग्रहित मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व, दीज वर्ड्स आर फॉर्मरली लॉन्च्ड बाय टोडरमल जी। मैंने आपको कभी बोलते बोलते कहा होगा ग्रहित मिथ्यात्व ऐसा वर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा जिनवाणी में, अग्रहित मिथ्यात्व। हाँ, 12वीं सदी के आशाधर जी ने अभिग्रहित अनभिग्रहित ऐसे वर्ड्स डाले हैं एनीवे, और इस शब्दों ने कमाल कर दिया ग्रहित अग्रहित, नहीं तो वैसे एक स्पेल में कैसे क्या समझाते हम। हालांकि कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निषेध तो आया है, बट उसको रिलेट करके कि ये मिथ्यात्व को पुष्ट करते हैं देवो ग्रहित, ऐसा नहीं आया था खुलकर, इनके माध्यम से वो ख्याल में आती है। तथा उनके पुष्ट करने के कारणों से विशेष मिथ्यात्व आदि होते हैं, उन्हें ग्रहित मिथ्यात्व जानना। वह अग्रहित मिथ्यात्व आदि का वर्णन तो पहले किया है, गेटिंग, एक प्रकार से इसको थोड़ा सा ज्ञान करा रहे, समराइज करा रहे हैं। सो फार हमने आज तक, जैसे विद्वान कल की थोड़ी सी बात कहकर फिर आगे बढ़ता है, इन्होंने पिछले थोड़ा सा रिकैप कर दिया। आज तक हमने अग्रहित मिथ्यात्व की बात देखी, और वहाँ पर एक बात आ रही थी अग्रहित मिथ्यात्व के लिए, कौन सी बात आ रही थी पिछले अध्याय में, कोई एक आध लाइन बोलो, बहुत सारी बातें देखी, वैसे एक आध बात बोलो। वहाँ पर साफ साफ बात आ रही थी, कोई संगीव हो तो वो तो इंद्रियादिक के नाम अधिक जानता है, लेकिन कोई असंगीव हो, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय समझ में आता है, तो यथा योग्य जानना, याद आ रहा है आपको, वहाँ पर भी बात आई थी, अग्रहित मिथ्यात्व की बात है। और ग्रहित मिथ्यात्व केवल मनुष्यों को, मनुष्यों में भी कर्म भूमि वालों को, कर्म भूमि वालों
में भी भरत ऐरावत क्षेत्र वालों को भरत ऐरावत क्षेत्र में भी अवसर्पिणी काल वालों में भी हुंडावसर्पिणी काल वालों को समझ में आता है। बाद बाकी ग्रहित मिथ्या तो ना भोग भूमि में होता है ना ही विदेह क्षेत्र में होता है, देवनारकियों में नहीं होता है मुख्यता से, और यहाँ पर भी आम अवसर्पिणी कालों में नहीं होता, भरत ऐरावत में भी, ये हुंडावसर्पिणी विशेष में ही यह सब होता है। सम्राट चंद्रगुप्त ने कितने स्वप्न देखे सम्यक? 16। पहला स्वप्न बोलिए, पहला स्वप्न कोई बताएगा? हाँ, पहला स्वप्न जबरन 23 सिंह को देखा, ये है पहला, शुड रिफर अगेन, आई एम ऑल्सो नॉट वेरी श्योर क्या मतलब इसका, आप थोड़ा सा रिफर करेंगे 16 स्वप्न में, उसमें कई स्वप्न ये दिखाते हैं कि ग्रहित मिथ्यात्व के पोषक, कई मैं समझता हूं 4-5 स्वप्न ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि पंचम काल में उफान आएगा इस ग्रहित मित्रत्व को, भूतों को नाचते देखा आदि आदि, ये सिंगो वाला तो ही शिथिलाचार होगा, और थोड़ा सा चांद को ऐसा देखा इसका मतलब शिथिलता होगी या ऐसा होगा, सब जगह शिथिलता, कोई तरुण बैल को देखा फिर शिथिलता, एवरीवेयर शिथिलता की बात की है उन्होंने, समझ में आ रहे? देखिए कहाँ तक आए थे हम वैसे, हाँ वहाँ अग्रहित मिथ्यात्वादि का वर्णन तो पहले किया वह जानना, और अब ग्रहित मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं सो जानना, शेष कल, ओम नमः।